जब दसवीं कक्षा के समय की पहचान कविता के बारे में जानकारी करेंगे। मानव के जीवन में समय बहुत अमूल्य है। जो समय को नष्ट करता है, समय उसको ही नष्ट कर सकता है। बच्चों, समय का महत्व के बारे में कवि ने इस पद में बहुत खूबसूरत से वर्णन किया है। अब आज समय का महत्व और समय को अपनाने से होने वाला सदुपयोग के बारे में जानकारी करेंगे। कविता की जानकारी करने के पहले हम इस कविता को लिखने वाले कवि के बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी है। पहले हम इस कविता को लिखने वाले सियाराम शरण गुप्ता के बारे में जानकारी करेंगे। देखिए बच्चे, कवि सियाराम गुप्त कौन है? कवि सियाराम गुप्त हमारे प्रसिद्ध कवि, हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त के अनुज हैं। देखिए बच्चे, सियाराम गुप्त कौन सा कवि का लिखा है? समय की पहचान। देखिए बच्चे, सियाराम गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 में हुआ है। स्थान मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ। किसका जन्म? सियाराम गुप्त के जन्म मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ। इन्होंने अनेक रचनाएं हैं, इनके अनेक रचनाएं हैं। कुछ प्रसिद्ध रचनाएं देखिए, मौर्य विजय, अनार, विशाल, आगम, आत्मोत्सर्ग, घृणामयी, बापू, नकुल आदि। देखिए बच्चे, सभी किताब खोलिए और इस कविता को देखना और नए आपको लिखते जाना। और देखिए बच्चे, इस कविता में समय को अपनाने से क्या क्या होता है, समय को नष्ट करने वाला कैसे नाश होता है, इसके बारे में लिखा गया है। समय मानव के जीवन में बहुत मुख्य है, इसलिए सभी लोग किताब को लिए और कविता को देखते जाना और लिखते जाना। परीक्षा की दृष्टि से तो एक कविता बहुत मुख्य है। 3 अंक वाले प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए आपको इसको पढ़ना जरूरी है। पहले हम इस कविता का आशय के बारे में जानकारी करेंगे। देखिए बच्चे, समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा, वह अपने काम में सफल होगा। काम में सफल होने के लिए किसको साथी बनाना? समय को। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है, उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। काम करने के लिए जो अवसर मिलता है, उसको जरूर करना, क्योंकि व्यर्थ होने नहीं देना। इसलिए कवि इस कविता में लिखा गया है। देखिए, समय बहुत अनमोल है। अनमोल माने कीमत है। उसका महत्व धन से भी ज्यादा है। धन कोने से हम कमा सकते हैं, समय कोने से वापस नहीं लौटा सकते हैं। इसलिए समय बहुत अनमोल अमूल्य है। बेले कट्टलागदंतह ओंदु विषय। इस कविता द्वारा छात्र समय की महत्ता को समझेंगे। इस कविता के द्वारा किसको महत्व को जानकारी करेंगे? समय का महत्व। देखिए, उद्योगी को कहा नहीं सुसमय मिल जाता है। उद्योगी माने मेहनती, काम करने वाला, परिश्रमी, जो परिश्रम करता है उसको कम सुसमय मिल जाता है। यानी काम करने का सुसमय माने अच्छा समय। समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता,
जो समय को नष्ट करता है वो सुख पाने के लिए नहीं होता है। जो समय है उसी समय पर काम करना, जो खोया हुआ समय और सागर के लहरें वापस नहीं लौटते हैं बच्चों, इसलिए जो समय को नष्ट करता है उसको सही कहीं सुख नहीं मिलता। आलसी ही यह कर रहा है सभी बहाने, आलस आलस मने सोमारी, आलस मने काम चोरी, जो काम देता है वो करने के लिए वो इनकार करता है और कुछ ना कुछ कहते बहाने बहाने करता है, समय नहीं है, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, ऐसे बहाने बनाने वाला कौन है? आलसी। इसलिए आलसी, जो आलसी है वो बहाना बनाते रहते हैं, जो करना है करो अभी, जो अब करने वाला काम अभी करो, आज करने वाला काम अब करो और कल का काम आज ही करो। देखिए जो करना है करो अभी, कल वो क्या जाने, कल क्या होता है किसी को मालूम नहीं, इसलिए जो काम है अभी से अभी करो। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको को के, चाको तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी हो के। बच्चों जो खोया हुआ समय को किसी ने भी वापस नहीं लौटा सकता है, और चक्रवर्ती होने पर भी खोया हुआ समय को वापस नहीं लौटा सकता। देखिए कर सकते फिर भी कभी तुम इसको खोके, समय को खोके, समय को नष्ट करके, समय को खोकर वापस नहीं लौटा सकते हैं। चक्रवर्ती होने पर भी खोया हुआ समय को वापस नहीं लौटा सकता है। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी क्षमता, फिर भी तुमको नहीं चरा है इसकी चिंता। हम धन को नष्ट करने से कमा सकते हैं, धन को नष्ट करने से क्या कर सकते हैं, वापस लौटा सकते हैं, किंतु समय को नष्ट करने से वापस नहीं लौटा सकते हैं। इसलिए हमें हम समय को सोच सोच कर अपनाना, समय को साथी बनाना, फिर भी हम लोग समय के बारे में चिंता नहीं करते हैं, समय को बहुत समय को नष्ट कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, समय भगवान हमको दिया गया बहुत अनुपम धन है, यही समय ही वो हो तुम्हारा सब जीवन है। समय ही हमारा जीवन में आने वाला शुभ जीवन है, इसलिए हम समय को अपना कर अपने मेहनत से काम करके अपना जिंदगी को अच्छा बनाना चाहिए। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, एक पल मैंने एक क्षण को वो तुच्छ, तुच्छ मैंने हम कील ना कील दृष्टियिंद ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬಾರದು। ಪಲ್ ಪಲ್ ಸೇ ಹೀ ಬನಾ ಹುವಾ ಜೀವನ್ ಕೋ ಮಾನೋ, ಅಮಾರ ಜಿಂದಗಿ ಅಮಾರ ಜೀವನ್ ಏಕ್ ಏಕ್ ಪಲ್ ಸೇ ಏಕ್ ಏಕ್ ಕ್ಷಣ ಸೇ ಹೀ ಬನಾ ಹುವಾ ಹೈ, इसलिए हम एक क्षण को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। करना है जो काम उसमें चित्त लगा दो, हमारे लिए जो काम है उसमें चित्त, चित्त माने मन, चित्त माने क्या है बच्चों, मन लगाना, किसमें लगाना, काम में लगाना। आत्मा पर विश्वास करो, संदेश बगा दो आत्मा पर, हमारे हम आत्मविश्वास से काम करना, हमारे आत्मविश्वास पर भरोसा रखना, इसलिए विश्वास करो, नंबिके संदेह भगा दो, मन में होने वाला शक को भगा दो, जो काम हम तुम्हारे लिए है उसको सुव्यवस्थित रूप से करते जाना। बच्चों समय को कभी नहीं नष्ट करना, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, काम करने को जो अवसर मिलता है उससे भी ज़्यादा सुसमय हमें कभी नहीं मिलता है। खोकर पीछे से सर्वथा पछताओगे,
जो ठीक समय पर काम करता है उसका जिंदगी बहुत खूबसूरत होता है बच्चा। इसलिए हमारे लिए जो समय है उस समय पर ठीक ठीक समय पर ठीक ठीक काम करते जाना बहुत मुख्य है। इसलिए बच्चों हम आज से समय को अपनाना बहुत मुख्य है। समय को अपना दे जाना, समय को साथी बनाना, ठीक समय पर काम करना, हमारे लिए जो काम है उस पर चित लगाकर काम करना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चे इसमें बहुत नए शब्द हैं, नए शब्द को लिखते जाना और नए शब्द को देखिए कुछ सौख्य माने क्या है सुख, आलस माने क्या है काम चोरी, द्रव्य माने धन, पल माने क्या है क्षण, कोना माने गवाना कोना, सर्वता माने सदा हमेशा, सर्वता माने सदा हमेशा। देखिए बच्चे इस पाठ में इस कविता को कवि ने बहुत खूबसूरत से लिखा है। परीक्षा की दृष्टि से तीन प्रश्न बहुत मुख्य हैं, इसलिए आप लोगों को लिखने के लिए मैं कुछ दो प्रश्न देता हूँ, उसको लिखकर तुम अपने शिक्षक को दिखाना। गृह कार्य कुछ लिखते जाना। गृह कार्य पहला प्रश्न, मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? अब दूसरा प्रश्न, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? दो प्रश्नों को लेकर मैं अध्यापकों को दिखाना। समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग जो करता है उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे अब तक पढ़ रही हो, चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी, और अगले वीक से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था, हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? अभी से प्रोजेक्ट, वो तो 6th पीरियड में देना है, अभी भी 2 पीरियड बचे हैं। मैं झट से कर लूंगा, अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। अरे सुनो रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेंगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूंगा, अभी जाऊं खेलने प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू वानी की परीक्षा में अब केवल 2 दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा, तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कल पर नहीं टालना, वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है, मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ, जब तक खेलूंगा नहीं तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे वानी देखो ना, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, आओ ना थोड़ी देर खेल लेते हैं, पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा। हाँ मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है, कल परीक्षा है। इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है,
तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल घुमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर घर की बिजली कट जाती है। उसने सोनू को आवाज दी। सोनू, सोनू सुनो, मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है, शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे। चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है, रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूँगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। सोनू देर शाम तक खेलता ही रहा, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। ये देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा, मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो। मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता। अब भोगो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे समझ आ गया था कि उसकी लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं। रोने से अब कुछ नहीं होगा, अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ, मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी, चलो। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान। अगले कक्षा में देखेंगे, सबको धन्यवाद।